नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। एक के बाद एक तमाम अदालतें, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट, सभी सख्त टिप्पणी कर रहे हैं कोरोना के सिस्टम के हालात पर। जी हां, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसे नेशनल इमरजेंसी करार दिया, तो अब हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। हाई कोर्ट ने कहा है कि ऑक्सीजन की कमी से अगर एक भी व्यक्ति की मौत होती है तो उसे अपराध माना जाएगा। ऑक्सीजन सप्लाई के लिए कॉरिडोर बनाया जाए, और सख्त टिप्पणी करते हुए हाईकोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि जो परिस्थितियां ऑक्सीजन की कमी को लेकर बनी हुई हैं, उस पर जल्द से जल्द और सख्त से सख्त कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए। कॉरिडोर का निर्माण होना चाहिए और कॉरिडोर के निर्माण के जरिए ही जल्द ऑक्सीजन लोगों को मुहैया करानी चाहिए। क्योंकि हाईकोर्ट ने आज ये भी, आपको याद होगा, बीते दिन से ही सबसे पहले खबर यह आई कि मैक्स हॉस्पिटल में जहां 1500 कोविड पेशेंट्स एडमिट थे, वहां पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से मैक्स हॉस्पिटल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। बीती शाम हाईकोर्ट ने कहा कि जल्द से जल्द जो 6 मैक्स हॉस्पिटल है उन्हें ऑक्सीजन मुहैया कराया जाए, लेकिन वही सुनवाई आगे बढ़ते हुए आज हाईकोर्ट ने कहा है कि अपराध माना जाएगा अगर ऑक्सीजन की कमी से एक भी व्यक्ति की देश में जान जाती है। लेकिन सवाल यही है कि जवाबदेही जिम्मेदारी तय होते होते कहीं लेट ना हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है ये नेशनल इमरजेंसी की घड़ी है। आइए आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करें। सुप्रीम कोर्ट ने देश में कोविड हालात को नेशनल इमरजेंसी बताया। सुबह से लगे हुए 5 बजे लाइन पे सर, मरीज घर पे पड़ा हुआ है हमारा।